हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मैट्रिक्स के पीएक्यू नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म के बारे में एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस पी एंड क्यू फाइंड करने होते हैं, ताकि पीएक्यू ये मल्टीप्लीकेशन एक नॉर्मल फॉर्म का यूनिट मैट्रिक्स प्रोवाइड करे। नॉर्मल फॉर्म की डेफिनेशन और उसके रिड्यूस्ड यूनिट मैट्रिसेस के फॉर्म्स के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है उसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसलिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x4 है। यहाँ पर हमें फाइनली रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, जो कि हमें नॉर्मल फॉर्म में आने के बाद ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पता चल जाएगी। यहाँ पर हमें दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस फाइंड करने हैं पी और क्यू, तो इसलिए हम मैट्रिक्स ए को इस तरह से लिखते हैं आई इंटू ए इंटू आई। किसी मैट्रिक्स में अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स रहता है जिसे हमने लिया था, तो प्री या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर ए मैट्रिक्स 3x4 ऑर्डर का है, इसलिए हमें आई मैट्रिक्स जो प्री मल्टीप्लाई हुआ है उसे 3x3 ऑर्डर का लेना होगा, और जो पोस्ट मल्टीप्लाई हुआ है उसे 4x4 ऑर्डर का लेना होगा। आप इसे सिंपली इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो पहले वाला आई है उसमें नंबर ऑफ रोज के अकॉर्डिंग ऑर्डर आएगा, और जो बाद वाला मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर आएगा। अगर यहाँ पर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता, मान लीजिए 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता, तो हमें आई के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली वो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस होंगे। अब हमें गिवन मैट्रिक्स है 1-1, 2-1, 4-2, 1-2, 2-2, 2-0। अब हम राइट हैंड साइड पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। पहले हम 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, यानी कि 1-0-0, 0-1-0 एंड 0-0-1। ए मैट्रिक्स को इसी तरह से लिखा रहने देंगे और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4x4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमें इस तरह का फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब हमें इस गिवन मैट्रिक्स ए को यूजिंग रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस रिड्यूस करना होता है नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म के एग्जांपल्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन वीडियोस से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो बता रही हूँ इसमें राइट हैंड साइड पर भी चेंजेस करने होंगे जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किए। तो अगर हम यहाँ पर रो में कोई चेंज करते हैं तो प्री फैक्टर, ये प्री फैक्टर कहलाएगा, और ये बाद वाला जो है इसे हम पोस्ट फैक्टर कहेंगे। तो जो प्री फैक्टर है उसमें भी वही सेम चेंजेस करेंगे जो यहाँ पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे, और जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे वो सारे चेंजेस हम पोस्ट फैक्टर में साथ ही साथ करते जाएंगे। ऐसा करने से प्री फैक्टर मैट्रिक्स पी में कन्वर्ट हो जाएगा और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स ए है उसे नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू हम सेकेंड रो के और थर्ड रो के फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा R2-4×R1 एंड R3-2×R1। ऐसा करने से जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होगा वो इस तरह से होगा, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर हम सेकेंड रो में चेंज कर रहे हैं यूजिंग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो में हम -4 का मल्टीप्लीकेशन करके सेकेंड रो में ऐड करेंगे, तो -4+4 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर जब हम -4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो +4 आएगा,
प्लस फोर प्लस टू सिक्स हो जाएगा। इसी तरह से माइनस फोर इंटू टू माइनस एट और माइनस वन माइनस नाइन और माइनस फोर इंटू माइनस वन प्लस का फोर और प्लस का टू यानी कि सिक्स। सिमिलर मैनर में जब हम फर्स्ट रो के थ्रू लास्ट रो में चेंजेस करेंगे तब हम माइनस टू टाइम्स आर वन यूज करेंगे। तो आर वन में हम माइनस टू का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इससे हमें माइनस टू और प्लस टू मिलेगा तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से प्लस टू और प्लस टू फोर हो जाएगा, माइनस फोर और माइनस टू माइनस सिक्स हो जाएगा एंड प्लस टू और जीरो टू हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चेंजेस हमने रोज में किए हैं वही सेम चेंजेस हम प्री फैक्टर में करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट है फर्स्ट रो में वन, तो इसके थ्रू माइनस फोर और माइनस टू यहाँ पर आ जाएंगे, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे और पोस्ट फैक्टर एज इट इज रहेगा। अब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के थ्रू इन तीनों प्लेसेस पर जीरो बनाएंगे। और चूंकि यहाँ पर दोनों वैल्यूज जीरो हो चुकी हैं तो नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे सी टू प्लस सी वन सी थ्री माइनस टू टाइम्स सी वन एंड सी फोर प्लस सी वन। ऐसा करने से इन तीनों प्लेस पर जीरो आ जाएंगे तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो होगा वन जीरो 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 सिक्स माइनस नाइन सिक्स जीरो फोर माइनस सिक्स एंड टू इज इक्वल टू। अब जो प्री फैक्टर है वो एज इट इज लिखा रहेगा और जो चेंजेस होंगे वो पोस्ट फैक्टर में होंगे यानी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हमने सी टू प्लस सी वन किया है इसलिए यहाँ पर वन आ जाएगा, देन सी टू माइनस सी थ्री माइनस, देन सी थ्री माइनस टू टाइम्स सी वन किया है इसलिए यहाँ पर माइनस टू आ जाएगा एंड सी फोर प्लस सी वन किया है इसलिए यहाँ पर वन आ जाएगा। बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड रो थ्री से डिविजिबल है और थर्ड रो टू से डिविजिबल है। अब हम सेकेंड रो को थ्री से डिवाइड कर लेते हैं और थर्ड रो को टू से डिवाइड कर लेते हैं। इससे हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा वन जीरो 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 टू माइनस थ्री टू जीरो टू माइनस थ्री वन। और राइट हैंड साइड पर प्री फैक्टर में चेंजेस करेंगे। प्री फैक्टर में वन जीरो जीरो, सेकेंड रो में हमने डिवीजन किया है थ्री से इस वजह से माइनस फोर बाय थ्री वन बाय थ्री और जीरो आ जाएंगे। थर्ड रो में हमने टू से डिवीजन किया है तो माइनस वन जीरो और वन बाय टू आ जाएंगे इंटू पोस्ट फैक्टर। पोस्ट फैक्टर में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम थर्ड रो में चेंज करेंगे आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस आर टू और ऐसा करने से हमें लास्ट रो में इन दोनों प्लेसेस पर जीरो मिल जाएंगे। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा वो मिलेगा वन जीरो 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 टू माइनस थ्री टू जीरो 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 एंड वन माइनस टू माइनस का वन इज इक्वल टू। यहाँ पर प्री फैक्टर में सेम चेंजेस करेंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो में से हम सेकेंड रो को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस वन प्लस फोर बाय थ्री हो जाएगा जिससे हमें वन बाय थ्री मिलेगा। इसी तरह से जीरो माइनस वन बाय थ्री दैट इज माइनस वन बाय थ्री और वन बाय टू माइनस जीरो यानी कि वन बाय टू। अगेन पोस्ट फैक्टर सेम रहेगा। अब हम इन प्लेसेस पर वन बनाने की कोशिश करेंगे ताकि इस वन के थ्रू हम इन दोनों प्लेसेस पर जीरो बना पाए। तो इसके लिए हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और सी टू डिवाइडेड बाय टू सी थ्री डिवाइडेड बाय माइनस थ्री एंड सी फोर डिवाइडेड बाय टू। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने से हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिलेगा वन जीरो 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 वन जीरो जीरो वन जीरो एंड जीरो वन
माइनस 1/2, क्योंकि हमने कॉलम्स को डिवाइड किया है 2, -3 और 2 से। अब यहाँ पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, इसलिए प्री फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, जबकि पोस्ट फैक्टर में चेंजेस आएंगे। तो इसमें चेंजेस कर लेंगे, 1, 0, 0, 0, यहाँ पर हमने 2 से डिवीजन किया है, तो 1/2, 1/2, 0, 0। C3 में -3 से डिवीजन है, इसलिए 2/3, 0, -1/3 और 0। इसी तरह से लास्ट कॉलम में हमने 2 से डिवीजन किया है, इसलिए 1/2, 0, 0 एंड 1/2। अब हमें इन प्लेसेस पर 0 बनाना है यूजिंग दिस वैल्यू। तो यहाँ पर हम C3 में चेंज करेंगे C3 -C2 एंड C4 में चेंज करेंगे C4 -C2। इससे इन दोनों प्लेसेस पर 0 बन जाएगा, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0, 0 एंड -1/2। ये कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, इसलिए फर्स्ट फैक्टर एज इट इज आएगा और पोस्ट फैक्टर में चेंज कर लेंगे, 1, 0, 0, 0, सेकेंड कॉलम एज इट इज 1/2, 1/2, 0, 0, इसके लिए 2/3 -1/2, 1/6, 0 -1/2, -1/2, -1/3 -0, -1/3 एंड 0 -0, 0, एंड लास्ट कॉलम विल बी C4 -C2, 1/2 -1/2, 0, 0 -1/2, -1/2, 0 -0, 0 एंड 1/2 -0, 1/2। अब यहाँ हमें -1/2 को 1 बनाना है, जिसके लिए हम थर्ड रो में -2 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और इससे हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगा 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 एंड 1। सेम ट्रांसफॉर्मेशन प्री फैक्टर में होंगे, यानी -2 का मल्टीप्लिकेशन करना है थर्ड रो में, एज इट इज आ जाएंगी और थर्ड रो में -2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिससे हमें -2/3, 2/3 एंड -1 मिलेगा और पोस्ट फैक्टर एज इट इज रहेगा, जिसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे C3, C4। इन्हें हमने इंटरचेंज कर लिया है, तो इसकी वजह से जो रिड्यूस्ड मैट्रिक्स होगा वो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड 0, 0, 0 हो जाएगा, जो कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। प्री फैक्टर एज इट इज इंटू ए इंटू पोस्ट फैक्टर में लास्ट कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे, तो इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं और थर्ड और फोर्थ कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, 0, -1/2, 0, 1/2 एंड 1/6, -1/2, -1/3 एंड 0। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट कॉलम 0 है, तो फर्स्ट 3 रोज और 3 कॉलम्स मिलकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर बना रहे हैं, रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम एक लार्ज 0 से शो कर देते हैं और ये नॉर्मल फॉर्म होता है, जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर इसकी रैंक को शो करता है, इज इक्वल टू जो प्री फैक्टर है उसे हम पी से डिनोट करते हैं, ए को एज इट इज लिखेंगे एंड जो पोस्ट फैक्टर है उसे हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं, यानी इनके डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि गिवन मैट्रिक्स ए की रैंक 3 है और हमारे पास पी एंड क्यू मैट्रिसेस आ चुके हैं। अगर हम आंसर को वेरीफाई करना चाहें तो पी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे क्यू मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगेन हमें I3 और 0 मिल जाएगा। इस तरह से हम आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में
आंसर्स अलग अलग आएंगे क्योंकि आपके ट्रांसफॉर्मेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके हम I3 फाइंड कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग P और Q की वैल्यूज चेंज होंगी। नॉर्मली हम डिवीजन को अवॉइड करते हैं, बट यहाँ पर यूजुअली हमें रैशनल्स में आंसर्स मिलते हैं। जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे उस वक्त हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को एट अ टाइम साथ में यूज नहीं करेंगे, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू प्री फैक्टर चेंज होगा और सिमिलर मैनर में जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब पोस्ट फैक्टर में चेंजेस होंगे। यहाँ पर P और Q यूनिक मैट्रिक्स नहीं होते हैं, आंसर्स डिफर करेंगे, बट आप प्रोडक्ट PAQ को चेक करके I3 फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से आप आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।